ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण कौन होता है? ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ऐसा थोड़ी ना है जो ब्रह्म को नहीं जानता है वो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण जाति से उत्पन्न नहीं हुए से ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए नहीं सही ब्राह्मण हो जाता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए, ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो अब ब्राह्मण बन गए। जन्मना जायते शूद्र हो, जन्म से हम सब शूद्र है, सब हर कोई जन्म से शूद्र होता है। संस्काराद भवेत द्विजः, संस्कार करने से, संस्कार कराने से, जो 16 संस्कार होते हैं, कर्ण छेदन कद्रिय होम यज्ञ वगैरह, नामकरण हो गया, मुंडन हो गया, यज्ञोपवीत, ये सब करने से जाके द्विज बनता है व्यक्ति। और जो तीसरा आता है, वेद पठित भवित विप्रः, विप्र कौन है? जो वेद पाठ करता है, वेद के अध्ययन करता है, भागवत पढ़ता है, उसको हम लोग विप्र कह सकते हैं। भागवत पढ़ने वाले, भागवत की अध्ययन करने वाले, भागवत कथा जो करते हैं, भागवत श्रवण कराते हैं, जो भागवत कथाएं करते हैं, जो कथावाचक वगैरह है, उनको हम विप्र कह सकते हैं, उनको विप्रवर कहना चाहिए हमेशा। और जो चौथा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, वो ब्राह्मण होता है जो ब्राह्मण को जानता है। जैसे कि नाम दिया जाता है ब्राह्मण, उपनयन, उपनयन होता है ब्राह्मण दीक्षा, तो उपनयन संस्कार हो गया, ब्राह्मण दीक्षा हो गया तो ब्राह्मण बन गया। वो गये हम कुंड करके उपनयन संस्कार करा दिए, ब्रह्म सूत्र धारण करा दिए, उसको जनेऊ डाल दिए उसके गले में, तो ब्राह्मण हो गया। ब्राह्मण दीक्षा से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, उसका ब्राह्मणिकल जो क्वालिटीज होता है वो होना चाहिए उसके अंदर। नहीं तो हमारे जो ब्राह्मण समाज है यहाँ पे, तो योग्य पवित्र होता है। मेरा तो, मैं जब फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता था शायद प्राइमरी स्कूल में, कितना 9-10 साल का होगा शायद तब, मैं तब मेरा हो गया था उपनयन संस्कार, हो गया था मेरा, तो मैं क्या ब्राह्मण बन गया उस टाइम? ब्राह्मण कौन होता है कि जो ब्राह्मण उसके अंदर अगर ब्रह्म जानने की जिज्ञासा हो, आतुरता है, या ना तो फिर उस रास्ते में तो हो, कम से कम वेद पाठ कर रहा है, धर्मशास्त्रों के अध्ययन कर रहा है, पालन कर रहा है, जो मैं अभी कर रहा हूँ, ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी लगा हुआ हूँ। भगवद गीता में तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, चतुर्वर्ण्यम मया सृष्ट्यम गुणा कर्म विभागस। ये जो चतुर्वर्ण्य है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये अपने गुणों के अनुसार, कर्म के अनुसार, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुणा कर्म विभागस, उनके अनुसार तय किया जाता है, ना कि पैदासी। और जो ब्राह्मण होगा उसका एक क्वालिटी होता है, एक गुण होता है, दया, दया भाव। दूसरा जो गुण है, विनम्रता, हम्बेल। तो अगर कोई व्यक्ति को बोला तमा दमा तपा शौचम, उसके अंदर वो व्यक्ति का क्या है, अपने इंद्रियों को दमन करना है, बस में करना है, वो ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए क्या एक्सपायरिंग है या फिर ले लिया है, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ रहा है, घमंड आ रहा है, घमंड में चूर हो रहा है वो, कि मैं ग्रेट हूँ, उस व्यक्ति से महान हूं मैं, तो उस व्यक्ति के अंदर कैसे ब्राह्मण का गुण है? क्या वो ब्रह्म जानाती है? ब्राह्मण ना 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 ना, ब्रह्म को जान नहीं पा रहा है वो। यू आर ए प्राउड ब्राह्मण या फिर ब्राह्मण? प्राउड ब्राह्मण और ब्राह्मण में बहुत अंतर होता है। ब्राह्मण मीन्स तो होता है कि मोर शरणागति त्रिनादपि सुनिचन, मोर हम्बेल होना चाहिए उसको, ना कि ये शूद्र है, मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना जितना सीनियर होते जाएगा, जितना जितना ऊंचा रहेगा, उतना उतना विनम्र होना चाहिए। जितना ऊंचा भक्त, ऊंचा वैष्णव होगा, उसको उतना विनम्र होना पड़ेगा। जाति ब्राह्मण में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम, मैं जाति से ब्राह्मण, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण क्वालिटी से, कर्म से होना चाहिए, कि हम तो पढ़ रहे बहुत सालों से, मेरा दादाजी इधर ही पढ़ते थे, ऐसा नहीं है। कर्म करना पड़ेगा ब्राह्मण का, क्वालिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिगरेट दारू भी चबा रहे हो ब्राह्मण, मांस हड्डी बैसा के सत्संग कर रहा है, रेड लाइट एरिया जा रहा है, पान गुटखा चिबा रहा है, दारू शराब खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन वो खुद को ब्राह्मण कहलाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे ब्राह्मणों को जब बताएंगे कि आप जाति से ब्राह्मण नहीं है, पैदाइशी ब्राह्मण नहीं, वो बोलेंगे नहीं, कुल से ही ब्राह्मण होते हैं, जाति से ही पैदाइशी ब्राह्मण होते हैं हम। अरे ब्राह्मण का कर्म तो कर। अरे भगवान किस लिए बोला है कि किसी ने अगर भक्ति किया है, बहुत सारे भजन किया है जन्मों जन्मों तक, मैं उसको मौका देता हूँ किसी उच्च ब्राह्मण के परिवार में, ब्राह्मण के घर में, किसी भक्त के परिवार में, जहाँ से और भी ज्यादा भक्ति में अग्रसर कर सके, प्रोग्रेस कर सके। ऐसा नहीं बोल रहे कि मैं भक्त बना दूंगा डायरेक्ट, कि तुम्हें ब्राह्मण के परिवार में जन्म दूंगा और तुम्हें भक्ति करना पड़ेगा। सूचिनम श्रीमताम, वैश्य के घर में भी तो जन्म दे रहे, भक्त तो हर किसी को बनना है, ब्राह्मण के थोड़ी दे रहा है। वैश्य के घर में जो पैसे वाले होते हैं, बिजनेस करते हैं, उसके घर में भी तो जन्म होता है। इसीलिए सिद्धांतों को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जो झाड़ू लगा रहा है, बर्तन धो रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम कर रहा है, वो नीचा हो गया, और जो अल्टर में खड़ा होकर भगवान की मूर्ति के आगे हवन होम यज्ञ बत्ती घुमा रहा है, अभिषेक कर रहा है, वो ऊंचा हो गया, ऐसे कैसे? तो अहंकारी हो गया फिर ब्राह्मण। मैं तो आरती करता हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ, मैं भागवत कथा करता हूँ, मैं प्रवचन देता हूँ, तो अहंकार में मर जाएगा कुछ दिन के बाद। तो ब्राह्मण अगर ऐसा सोचने लगेगा तो पक्का कुछ दिनों के बाद अहंकार में, घमंड में चूर होकर मर जाएगा, वो गर्भ में मर जाएगा वो। ये सोचना चाहिए हमेशा कि हम ऐसा नहीं है, हम सबके दास है, हम तो भगवान के दास है, उनके भक्तों के दास है, ये सोचना चाहिए हमेशा।